हमारे साथ इस वक्त ताहिर सईद साहब मौजूद हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ताहिर साहब, ये बताइए कि इतनी अहम मीटिंग होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में कैसे विश्वास बहाली और डेवलपमेंट के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा है, बीच में पाकिस्तान कहां से आ गया? देखिए समीर अब्बास जी, बेसिकली ये देख आप एक बात समझिए, ये जो अभी मेरे जो दोस्त जो भी बात कर रहे थे, रोहित चहल जी, और आप भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की बात होगी और आप जो कहते हैं विश्वास की बात होगी, देखिए विश्वासघात इतने लेवल तक हो चुका है कि वो आप एक मीटिंग से जो है वो विश्वास आप बहाल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी एक शो में बताया था, आपके एक शो में बताया था, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर अगर कोई इंडिया की कोई मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स में से थी, जम्मू कश्मीर 10वें नंबर पर थी। जम्मू कश्मीर में सबसे कम अगर कोई है वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, वो क्या नाम है इसका, गुजरात हमसे भी पीछे है, गुजरात 11वां नंबर पर है, पाकिस्तान कहां से आया? तो आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने कहा ना विश्वास और, नहीं नहीं, मैं तो पाकिस्तान के सवाल पर भी आऊंगा ना। आपने कहा ना, आपने बेसिकली मुझसे सवाल किया विश्वास का और विकास का। मैंने कहा विश्वास तो आपने सबसे ज्यादा तोड़ दिया है दिल्ली ने, विकास तो हमारा यहाँ बड़े तो आप हिंदुस्तान का विश्वास क्यों तोड़ रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर? इसका जवाब दीजिए ना। आपने देखिए समीर अब्बास जी, ये जो आप बार बार जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर, मुझे आप ये बताइए देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने आज तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बात की, कश्मीर के मुद्दे पर बात की? कितने विदेश मंत्रियों ने आज तक बात की? क्या उन्होंने हिंदुस्तान का विश्वास तोड़ा? क्या वो एंटी नेशनल थे? जिस तरह की चीज़ें कल से बनाई जा रही हैं टीवी चैनल्स पर कि महबूबा जी ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे दिया। अरे वो दे रही है, वो अमन का स्टेटमेंट दे रही है, वो कहते हैं वो तो हम तो पीस कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए हिंदुस्तान और अरे भाई ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात हो रही है तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से भी बात कीजिए, हमसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी बात कीजिए, वो भी तब जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार टेररिज्म फैलाने की कोशिश किस तरह से जेएनके में की जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ मैं आता हूँ आपके पास। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।